देहरादून से वंदे भारत ट्रेन ने पहली अपनी यात्रा शुरू कर दी है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और काफी उत्साहित हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि देहरादून के लोगों को एक नई सौगात मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो देश में 18वीं ट्रेन है, जो देहरादून से कुल मिलाकर 18वीं ट्रेन है और देहरादून की 7वीं ट्रेन है जो दिल्ली की से दिल्ली के लिए संचालित की जा रही है। ये जो ट्रेन है काफी हाईटेक है, हाईटेक है। आपको दिखा दें जिस तरीके से पैनिक बटन से लेके जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपातकालीन जो स्थिति होती है वहां से अगर कोई निकलना है तो जैसा कि इसमें लिखा है कि शीशा को तोड़कर उसको खींचें तो हथौड़ा और निकालें और खिड़की को तोड़ें, उसी तरीके से पैनिक बटन के अलावा आप बोल सकते हैं कि कई यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि जो डोर्स हैं वो खुद सीसीटीवी से लैस हैं ताकि वो ऑटोमेटिक ओपन होंगे। वहीं टॉयलेट को बोलें कि टॉयलेट की व्यवस्थाएं भी वैक्यूम की व्यवस्था है, जो कि आप बोलते हैं जैसे जब हम विमानों में यात्रा करते हैं उस समय इस तरीके की सुविधा मिलती है। वहीं युवा भी काफी मौजूद हैं जो काफी उत्साहित हैं, जिन्हें लगता है कि जो ये सुविधा है वो बेहद जरूरी थी। उत्तराखंड एक बोल सकते हैं टूरिज्म के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है और उसी वजह इस ट्रेन की लंबे वक्त से मांग चल रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि देहरादून के बाद क्या हल्द्वानी या अन्य बड़े शहर उत्तराखंड में वहाँ से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होती है या नहीं। हल्द्वानीलाइव.com के लिए पंकज पांडे। मैं अनुकल्प कुमार सिंह, मैं ओग्रो स्कूल का हूँ और मुझे एक पहली बार बहुत गोल्डन चांस मिला है इस वंदे भारत ट्रेन में ट्रेवल करने का। और इस ट्रेन की खासियत है कि ये जो डेस्टिनेशन है देहरादून टू दिल्ली वो सिर्फ 4 hours 30 minutes में कवर कर सकती है और ये ट्रेन बहुत लग्जरियस है एंड इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। सर बहुत अच्छा हमें लग रहा है, मतलब ट्रेन बहुत अच्छी है, एनवायरमेंट अच्छा है, सराउंडिंग अच्छा है, बहुत लग्जरी है और पहली बार ट्रेवल करें तो बहुत एक्साइटेड हम लोग। हाँ प्रिया, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर हरिद्वार तक की वंदे भारत ट्रेन है, ये अभी ट्रायल बेस पे 110 की स्पीड रखी गई है जो सेक्शनल स्पीड है। आने वाले टाइम में इसको 130 और 160 तक ले जाने की कोशिश है। दो दिन तक हम इसके ट्राई करेंगे, आज के बाद दो दिन ये प्रॉपर कमर्शियल के लिए 29 तारीख को खुलेगी। तब तक ये गाड़ी दिल्ली और इसके बीच में ट्रायल पर चलती रहेगी। और ये जो ट्रेन है ये काफी यूजफुल है और जितने कर्व है इसके ऊपर इसकी मूवमेंट ज्यादा रहती है, इसलिए शताब्दी से भी ज्यादा इसकी स्पीड रखी गई है। हाथियों से देखते हुए इसकी ब्रेकिंग काफी अच्छी है। शताब्दी की स्पीड पूरी 50 और 55 है, इसकी स्पीड हमने 60 रखी है। आज इसका ठहराव कहां कहां रहेगा? जी ठहराव इसका कहां कहां रहेगा? आज इसका ठहराव यहाँ से चलने के बाद हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सीधा आनंद विहार। मेरा इससे पहले मैंने 3 ट्रेनों का उद्घाटन करा है, वंदे भारत इवन देन डबल डेकर भी जो जयपुर दिल्ली जयपुर चलती है उसकी ओपनिंग भी मेरे द्वारा हुई थी। टिकट लेके रिजर्वेशन चलेगा आज? नहीं आज पब्लिक के लिए नहीं, ये ऐसा पल है जो मुझे बहुत ही उत्साहित करता है। मैं तो ये चाहूंगा कि डेली एक नई वंदे भारत की ओपनिंग हो जो बहुत जल्दी होने शुरू हो रही है। मेरा गुड नेम नितिन पारिक।